बच्चों को ले जा रही टाटा मैजिक वैन को डेल्को कॉलोनी के 7 नंबर रोड के समीप एक नई क्रेटा बिना नंबर वाली कार ने जोरदार तरीके से धक्का मार दिया। कार के धक्के से स्कूल के बच्चों को ले जा रही मैजिक वैन पलटी हो गई। इस हादसे में बच्चों को काफी चोटें आई हैं। बताते चले कि स्कूल वैन को धक्का मारने के बाद भाग रही कार का स्थानीय लोगों ने काफी दूर तक पीछा किया, लेकिन चालक कार समेत भागने में सफल रहा। हादसे की सूचना मिलने के बाद भाजपा नेता सुजीत सिंह मौके पर पहुंचे। उनकी बेटी उसी गाड़ी में सवार थी, उसे भी काफी चोट लगी है। सभी जख्मी बच्चे टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती है। भाजपा नेता ने बताया कि कार रफ्तार में थी, कार की आगे की बोनट डैमेज हुई है। उन्होंने मांग किया है कि चालक समेत कार को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। बताया गया है कि 6 बच्चों को टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती कर चिकित्सा की जा रही है, जिसमें 2 बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलने के बाद नोएडा स्कूल के प्रिंसिपल भी हॉस्पिटल पहुंचे और बच्चों की खैरियत जानी। दिन भर की ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब पर, साथ ही हमारे चैनल